गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो मैं रिसेंटली गई थी लाइट हाउस कैफ़े, तो ये जो है न्यूली ओपन है, तो मैंने सोचा कि न्यूली ओपन है तो आप लोगों को भी बताया जाए इसके बारे में, यहाँ का इंटीरियर कैसा है, यहाँ का फूड कैसा है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसका जो एड्रेस है वो क्या है। तो विस्कुमान भवन, आप पिंड बलूची जानते होंगे, वही एड्रेस है लाइट हाउस कैफ़े का भी। पिंड बलूची से ऊपर वाला फ्लोर जो है वो है लाइट हाउस कैफ़े। सबसे ऊपर जो पिंड बलूची का फ्लोर है वही है पिंड बलूची। तो आप बहुत बार गए होंगे, तो लाइट हाउस कैफ़े मैं भी बहुत बार गई हूँ, लेकिन लाइट हाउस कैफ़े जाने का मौका ना पहली बार मिला मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि यहाँ का इंटीरियर के बारे में सुना था मैंने कि इंटीरियर यहाँ का काफ़ी अच्छा है, और फूड का मतलब मुझे पता नहीं था। तो मैंने सोचा चलो फूड भी ट्राई कर लेते हैं और इंटीरियर भी देख लेंगे। इसके पहले भी मैं एक बार जाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हुआ कि वहाँ पे ना वो मतलब पूरा बुक था किसी पार्टी फंक्शन के लिए लाइट हाउस कैफ़े, तो हम नहीं जा पाए थे। तो ये हमारा सेकेंड टाइम विजिट था, तो जब हम गए तो हमें फिर से 10 मिनट वेट करना पड़ा। जब पिंड बलूची जाते हैं उसका जो वेटिंग एरिया है सेम वही वेटिंग एरिया लाइट हाउस कैफ़े का भी है, और पिंड बलूची जाने के लिए भी आपको 10 मिनट मतलब वेट करना ही पड़ता है अगर फुल है तो। अगर खाली रहता था तो जाते ही हैं, लेकिन हम लोग जब गए थे तो सब फुल था, तो इसीलिए हमें 10 मिनट नीचे वेट करना पड़ा। कोई नहीं, चलेगा, इंतज़ार का फल मीठा होता है इसलिए। तो ये मैंने मेन गेट से जो है मतलब एंट्री ली जो लाइट हाउस कैफ़े का गेट है वो, और यहाँ पे आपको ना तरह तरह का ड्रिंक मिलेगा, ड्रिंक मतलब काफ़ी वैरायटी यहाँ पे ड्रिंक का। और यहाँ पे जो इंटीरियर है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हो, और यहाँ पे ना जगह जगह पे आपको वो टीवी वगैरह भी लगा हुआ है, तो आप वहाँ भी इंजॉय कर सकते हो, बोर मतलब होने का यहाँ पे कोई सवाल नहीं है। और मैंने थोड़ा बहुत आपको मेन्यू दिखाने की कोशिश की है, बहुत तो नहीं, पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत इतना टाइम नहीं था हमारे पास, यह बहुत ज़्यादा इसमें मतलब फूड का वैरायटी था जिसको एक एक चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं था। जितना हो सका हमने उतना आपको दिखाने की कोशिश की है। और हमने यहाँ पे जो है सूप ऑर्डर किया था, और जो भी फूड है वह तो आप देख ही लोगे इसमें, और लास्ट में हमने खाया था आइसक्रीम। एंड यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि यहाँ पे आउटडोर एरिया है, और मुझे आउटडोर एरिया जहाँ भी रहता ना बहुत अच्छा लगता है वहाँ खाने में, लेकिन यहाँ पे मैं आउटडोर में एरिया में नहीं खा पाई, बस मैंने फ़ोटो क्लिक करवाया। तो बात ये था कि जब मैं गई थी ना तो वो भी क्या चल रहा है, सीजन चल रहा है कीड़े मकोड़े का, ठीक है, तो उन्होंने सजेशन दिया था कि आप ना आउटडोर एरिया में नहीं खाओ क्योंकि हो सके खाने वगैरह में ना कीड़ा चला जाए, तो इससे अच्छा है कि आप इंडोर में खाओ। तो रात में ऐसा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इंडोर एरिया में ना बहुत लाइट होता है, तो आप अपने खाने को देख सकते हो, है ना, लेकिन आउटडोर एरिया में उतना ज़्यादा लाइट नहीं होता है। आउटडोर एरिया, और यहाँ से हमारा पटना देखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि मतलब कहाँ पहुँच गए हैं, पटना में है ही नहीं, इतना अच्छा अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और इतनी ऊंचाई से देखने का मौका जो है पटना को बहुत कम ही मिलता है, तो अगर इतनी ऊँचाई से आप देखना चाहते हो ना पटना को, तो लाइट हाउस कैफ़े आप जा सकते हो और यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो इवनिंग टाइम में, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको अच्छा लगेगा आउटडोर एरिया में। आप देखो
तो हमारा खाना पीना हो चुका है। एंड टेस्ट की बात करें तो हाँ, टेस्ट अच्छा था। यहाँ पे हमने जो भी आइटम लिया सभी का टेस्ट अच्छा था। और बस अब हम जो है थोड़ा बहुत फोटो सेशन हमने किया, फोटो क्लिक करवा कर हम लोग जो है वो निकल गए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का मेरा ये ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।